सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार फिर से आज दिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों के साथ, और वो जानने आपको काफ़ी ज़रूरी है। और आज का जो विषय है वो शुरू की दो अपडेट हमारी एलसीए तेजस से ही संबंधित हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और चीन के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए भारत लगातार अग्रसर है, और यही नहीं, इसको लेकर के भारत अपनी सैन्य ताकत में अच्छा जो इजाफा है वो कर रहा है। चीन से मौजूदा तनाव को देखते हुए भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनज़र भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने में जुट गई है। इसका परीक्षण अब लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। डीआरडीओ की तरफ से विकसित की गई अस्त्र मिसाइल को तैयार कर लिया गया है और तेजस में इसको इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल ये जो काम है ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में किया जाएगा। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, और अभी हाल ही में भारत ने इसको Sukhoi-30 MKI एयरक्राफ्ट से फायर किया था। लेकिन अब ये जो मिसाइल है ये भारत के तेजस से फायर किए जाने के लिए तैयार है, और बहुत जल्द इसका काम लगभग शुरू कर दिया जाएगा। अस्त्र आवाज़ की गति से कई गुना तेज जा करके दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको तबाह करने की कैपेसिटी रखती है। वहीं इसकी मौजूदा रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 154 किलो का है, और ये तकरीबन 3.8 मीटर लंबी है। यही नहीं, एक बड़ी योजना का और खुलासा हुआ है। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि अगले साल यानी 2021 की पहली छमाही में अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल तो इसकी रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ सोर्सेज ने यह भी कहा है कि अस्त्र मार्क 3 का जो काम है वो भी लगभग शुरू कर ही दिया गया है, जिसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर होने वाली है। गौरतलब है कि अस्त्र मिसाइल को भारत की एमरम कहा जाता है, क्योंकि ये कई मामलों में अमेरिकी एमरम मिसाइल के साथ कंपेयर की जाती है। यही नहीं, भारत काफ़ी बड़े पैमाने पर इनको अपनाने के प्रयास में लगा है। फिलहाल अगर तेजस MK-1 की फ्लीट की बात की जाए तो अभी बेसिकली जो तेजस है वो इसराइल की डर्बी मिसाइल को यूज़ करता है। वहीं जो अपग्रेड करने की बात थी और जो इंटीग्रेशन की बात थी अस्त्र की, ये कोई नई नहीं है, काफ़ी पहले से हम इस चीज़ को सुनते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री का जो प्लान है वो ये है कि तकरीबन 248 अस्त्र मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया जाए, जिनमें से 200 मिसाइलें अस्त्र की वो भारतीय वायुसेना के लिए होंगी, वहीं 48 मिसाइलें भारतीय नौसेना के लिए होंगी। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही तेजस से क्लियरेंस मिल जाएगी अस्त्र को, तो इनका जो ऑर्डर है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि इसके लिए पहले से ही 50 जो और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शंस की मिसाइल है उनको भारतीय वायुसेना के हवाले कर दिया गया है, और अब Sukhoi-30 MKI की जो फ्लीट है उसमें अपग्रेड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का, जिससे Sukhoi-30 MKI के सारे जहाज़ या जितने भी फ्लीट भारत के पास है वो अस्त्र मिसाइल्स को ऑपरेट कर सके और उसे यूज़ भी कर सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुखोई पहला एयरक्राफ्ट था भारत का जिसने अस्त्र मिसाइल को फायर किया था। यही नहीं, अस्त्र के साथ साथ भारत इस समय अपने कई मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिनमें से मुख्यतः अगर हम बात करें तो कल आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को लेकर के भी एक न्यूज़ आई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि बहुत जल्द आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का ट्रायल शुरू किया जाएगा, जो कि आकाश जो मिसाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। दरअसल ये एक हमारी एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है आकाश मिसाइल की तुलना में। और गजब की बात इसमें यह है कि इसमें जो प्रोपल्सन सिस्टम है, जो रेडार्स हैं, वो पूरी तरीके से स्वदेशी होंगे, जो कि आकाश मिसाइल के डेवलपमेंट से हमने सीख ली थी। उसी से आगे बढ़ के हमने एक अपना खुद का उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम लगभग तैनात कर दिया गया है, या हमने उसको उन्नत कर लिया है। सॉरी, आपको बता दें कि आकाश NG को हम MR-SAM के साथ यूज़ किए करेंगे, या इसको एक MR-SAM के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की ताकत पे काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने वाला है। अगली महत्वपूर्ण विषय पे बात कर लेते हैं, तो वो हमारी F-15EX को लेकर के आ रही है। आपको पता होगा कि हमने अभी हाल ही की अपडेट में आपको बताया था कि F-15EX में अमेरिका लेज़र वेपन्स को इंटीग्रेट करने के बारे में विचार कर रहा है और उस पर काम भी चल रहा है। और इसको लेकर के अभी कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये बात सच है। अमेरिका F-15EX समेत अपने जो फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि F-16 फाइटिंग फाल्कन, इनमें भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को इंटीग्रेट करेगा। ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि अभी तक अमेरिका का ये मानना है कि दुनिया के दूसरे फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को वेट करने के लिए, उनसे बचने के लिए पुराने जो पैसिव काउंटर मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करता है, जैसे कि फ्लेयर्स हो गई या कैप्स हो गए। तो अब इससे बचने के लिए इनका यूज़ ना करना पड़े, यही कारण है कि अमेरिका अपने जो सिस्टम है उनको
इंटीग्रेट कर रहा है अपने आधुनिक हथियारों के साथ और ये काम लॉकहीड मार्टिन को दे दिया गया है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन के खाई ऑफिशियल्स ने इस बात की पुष्टि की कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों हाथ मिला सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। इसको बनाने का मुख्य मकसद होगा कि जो मिसाइल F-16 या F-15EX पर दागी जाएं, उनको सीधा हवा में ही लेज़र की मदद से गिरा दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन होगा और इसके लिए इन जहाज़ों की स्टडी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल आप इस समय वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसा ही कुछ देखने में होगा लेज़र वेपन अमेरिका का जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर के अमेरिका ने चीज़ क्लियर कर दी है कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और इसको लगाने का सिर्फ यही मकसद है कि जो फाइटर जेट्स है वो उनकी सुरक्षा को ध्यान दिया जाए, क्योंकि F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-15EX काफ़ी आधुनिक जहाज़ हैं और बहुत सी इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो इस चीज़ के लिए इनको इनेबल करती हैं कि इस तरह के मॉडर्न हथियार को आसानी से इनमें इंटीग्रेट किया जा सके। यही कारण है कि अमेरिका भी इस चीज़ पर लगा हुआ है ताकि निकट भविष्य में जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा इन्हांस किया जाए। अब क्योंकि अमेरिका का मकसद भी यही है कि F-15EX के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक ढूंढ सके, तो उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि F-15EX जो दूसरे ग्राहक है उनको लुभा सके। और यही कारण है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में जी जान से लगा हुआ है और ये पहली मर्तबा नहीं था। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि F-35 में भी इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का यूज़ किया जाएगा, लेकिन बाद में अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि F-35 की जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसके स्टेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाना, जो कि अमेरिका करना नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका का ये मानना है कि अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये सिस्टम जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से लिया गया है वो F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-15EX में ही यूज़ किया जाएगा। अब वो तो आने वाले निकट भविष्य में पता ही चल जाएगा कि कौन कौन से जेट क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।